रेंज हैं, एम्बुलेंस है और बाकी टीम्स भी तैनात हैं, ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगे हैं और पुलिस का पूरा अरेंजमेंट है, तो किसी भी प्रकार की किसी को तकलीफ नहीं होगी। आज प्रदर्शन था और आप मंडी से बाहर हैं, तो क्या कहेंगे? मैं अपने डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र अनाज मंडी अड़तीसगढ़ का जिला प्रधान हूँ और इन्होंने जो दमनकारी नीति अपनाई है ये एक विस्फोटक होकर निपटेगी। कोई आज रैली का आयोजन कोई एक्सीडेंट नहीं था, इसके लिए हमने प्रशासन को 1.5 महीना पहले 2 बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सरकार की काम पे कोई जो नहीं रहेंगे। आज किसान भूखमरी की कगार पे है। कोरोना महामारी से बड़ी महामारी जो ये 3 अध्यादेश सरकार ने जारी किया है इस पे है और इसका इतना कोरोना को इतना डर नहीं है जितना कि इस भूखमरी की महामारी का। आयोजन था मंडी के अंदर, आप लोगों को जाने नहीं जा रहा। प्रशासन ने अंग्रेजों का राज, जैसे बुजुर्ग बताया करते थे अंग्रेजों का राज में ऐसा करते थे, वो राज उन्होंने आज करके दिखा दिया है। मंडी तक तो जाने देते, हमारे अपने संस्थान बंद है, वहाँ पता नहीं चोरी कराएंगे, डाका डलाएंगे, क्या करेंगे। लोग भी परेशान हो रहे, लोगों को परेशान कर रही है, लोगों को इतना परेशान कर क्या कहना कि किसी एम्बुलेंस वाले को ये नहीं निकलने देते, किसी बीमार व्यक्ति को ये नहीं जाने देते, जो भी आता है इन्होंने सब एक दिखता है कि ये किसान है। अरे किसान तो तब भी था जब पूरा प्रदेश अपने घर के अंदर बैठा था, मोदी जी के एक आह्वान पे कोई बाहर नहीं निकला, लेकिन किसान ने खेत में जाकर दिन रात करके इस देश को बचाया, इस देश के ग्राफ को बचाया। तो जाएंगे मंडी में अभी आप किसान? हाँ हम मंडी जाएंगे। तो क्या किसान आएंगे? बिल्कुल आएंगे। 15 अगस्त के दिन आपने ज्ञापन सौंपा था, उस दिन सरकार ने कहा था कि जो ये ज्ञापन दे रहे हैं वो देश विरोधी है। जो गद्दार लोग होते हैं वो देश विरोधी का दावा देते हैं। देश विरोधी किसान देश विरोधी है। किसान भूखमरी में अपनी बात को उठाना चाहता है, दमनकारी नीति से उसको दमन कर देते हैं। हर गांव के अंदर पुलिस बैठा रखी है, हर चौक में पुलिस बैठाई हुई है। आपका नाम बताओ? मेरा नाम बनारसी दास। साथियों, हमें पता चला है कि पुलिस ने जगह जगह पे नाके लगा दिए हैं, लेकिन हमारी बेनती ये है कि हमने अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचना है, हम ये सारे नाके तोड़ेंगे। लेकिन हमारी बेनती है उससे पहले कि हर नाका तोड़ने से पहले पूरी तरह वहाँ पे जो भी हमारे अगवा लोग हैं वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करें कि कोई भाई पुलिस पे हमला ना करे, कोई भाई पुलिस पे पत्थर ना मारे, कोई उनकी वर्दी ना पकड़े और कोई किसी तरह की आगजनी, किसी तरह की तोड़फोड़ ना करे। हमने केवल उनके नाके तोड़ने हैं और अगर उसके बदले में पुलिस हमें लाठ मारती है तो हमने पुलिस के आगे लेट के लटकाने हैं। पुलिस जितना मार सकती है, जो अत्याचार पुलिस कर सकती है वो पुलिस की छूट है, हमने पुलिस पे हमला नहीं करना, पुलिस हमारे पे जो मर्जी करे। और आप मेरी दोबारा हिदायत है कि नाका तोड़ने से पहले जब सारे वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं, जो हमारे अगवा है वो पूरी तरह से उनकी जिम्मेवारी है, वो पूरी तरह से अनाउंसमेंट करें कि हमारा कोई आदमी आगजनी नहीं करेगा, कोई आदमी तोड़फोड़ नहीं करेगा, कोई आदमी आने जाने वाले से झगड़ा नहीं करेगा, कोई आदमी पुलिस से टकराव नहीं करेगा, लेकिन नाके तोड़ के जरूर पहुंचना है। आज हमने पुलिस की लाठियों का दम देखना है और पिपली में जरूर पहुंचना है। बस मेरी इतनी सी बेनती है।